एक्सपायर हो गए, दोस्त भी एक्सपायर हो गया, बड़े पापा भी, तो कितना। अब ये सब गाड़ी में मिलता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब भी आप KTM लेंगे, वाओ, तो आपको ऐसा कार्ड मिलेगा एक चाबी के साथ। और मेरी पुरानी वाली चाबी पता नहीं आज कहाँ गुम हो गई, तो ये चाबी अभी एक ही चाबी है ओरिजिनल, तो अब इसको बड़े रिस्पेक्ट से रखना है वरना ये भी गुम हो जाएगा किसी दिन। सो मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, नए व्लॉग के साथ। आओ, गिर गया वो। सो दोपहर के 2:30 बज रहे, मतलब 2:30 बज रहे, और देखिए हर तरह हर जगह एक ही आपको नज़ारा दिखेगा, वो है बंद बंद बंद। हाँ यस भाई साहब, आराम से टर्न मारिए, कोई तकलीफ नहीं, पूरा रास्ता खाली है, आराम से। सच्ची कहूँ यार, अब तो कंटाला आ गया, मतलब क्या कहे, ये देख देख के बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब, समझ नहीं, मतलब दिमागी फ्यूज हो जाता है कि क्या बोले और क्या देखे और क्या करे। धीरे धीरे सबको खबर मिल रही है, स्टार्टिंग में 1 महीने का लॉकडाउन, उसके बाद 15 दिन का लॉकडाउन, अब वापस 15 से 30, मतलब ये पूरा महीना भी लॉकडाउन होने वाला है, 2021 भी ऐसे ही जाने वाला है। तो अब जाते हैं, पहला खाना लेके आते हैं, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं, सब गांव गए हैं। पिछले महीने हमारे बड़ी अम्मा एक्सपायर हो गई थी 5 तारीख को, फिर आने के बाद हमारे दोस्त का खबर मिला, हमारे दोस्त भी शाहिद भाई, उनका भी देहांत हो गया, और ये 2 तारीख को हमारे बड़े पापा का भी देहांत हो गया। इसलिए इतने दिन में शांत हो गया था, कुछ कर नहीं पा रहा था। और ये रोड बस 2 दिन में ये रोड बना है, मतलब ये रोड अच्छा ही था, मतलब इस रोड पे एक भी गड्ढे नहीं थे, यहाँ से लेके वहाँ तक एक भी गड्ढे नहीं थे, फिर भी इस रोड को बनाया, मानना पड़ेगा। प्रगति हो रही है, अच्छे रोड को और अच्छा कर दिया। अब यहाँ तो हो गया मुसीबत, मतलब 11:30 हो गया, 12 बजने वाला है, हमारा चाइनीज़ का शॉप बंद है, मतलब जहाँ से हम चाइनीज़ खाते हैं। आज संडे, आज कर्फ्यू का दिन है, मतलब सैटरडे संडे कर्फ्यू रहता है, बाकी दिन लॉकडाउन रहता है। लॉकडाउन में पार्सल मिल जाता है यहाँ पे, अब मैं भूल ही गया कि संडे है आज। अब खाने के वांदे, बनाने तो कुछ नहीं आता। खाने का पता नहीं, खाना तो मिला ही नहीं इस लाइन में, मिलेगा लेकिन ढाबे साइड में जाके पार्सल लेना पड़ेगा, और वो जाके बाद में स्टार गैरेज में वहाँ कहीं खा लूँगा। कल आरिफ के साथ बाहर ही खाया था, और अभी मेडिकल में आ रहा था तो रियो दिख गया और लीची का जूस लिया है। चलते हैं, अब यही पीते हैं और फिर बाइक भी लेके निकलेंगे, जो काफ़ी दिनों से गंदगी हो गई है, वॉशिंग कराया ही नहीं है उसको। जमील को फ़ोन करना पड़ेगा, फ्रिज में करंट आ गया। रियो रखने के लिए फ्रिज खोला तो ये ढक्कन ही बाहर आ गया, लगता है यहाँ पे सब बर्फ जम गया है, इसलिए वो गेट नहीं लग रहा पड़ा। अभी जो शॉक लगा मेरे को एकदम खतरनाक, ऐसा लगा कि ख़त्म। वैसे तो गांव में बहुत लीची खाया है, लीची के टाइम पे बहुत लीची सी ऐसे वो मानेगा। ओके ओ, ये तो अजीब ही लग रहा है यार, ऐसा कैसा लीची का जूस है। अब इसको रखते हैं टूटे फ्रिज में। सो मम्मी पापा को गए गांव, 5 दिन हो गए, और 5 दिन में हमारी हालत टाइट हो गई, मतलब कपड़े जितने मिले थे पहनने के लिए सब पहन पहन के रिपीट अब वापस पहन रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, क्या स्मेल आ रहा है, क्या सब चल रहा है, और ये घर की हालत खस्ती है जैसी भी है,
अब ये टेस्ट करते हैं। पता चल रहा है कि लीची का जूस पी रहे, बट लीची वाला फील नहीं आ रहा जो छील के खाते। बस दोपहर में जाएंगे खाना खाने, जब बाइक लेके जाएंगे बाहर तो भी करते हैं आराम। और पालघर भी जाना है, कल एक शूट था तो ये सामान देने के लिए ध्रुव को। इस लॉकडाउन में काम भी मिल गया था एक, बस खाने को तो कुछ मिला ही नहीं। और एक लीची, एक गिलास लीची और एक रियो पी के अभी जस्ट फ्रेश हो गया। और ये रहा सामान जो लेके जा रहा हूँ पालघर, बीच रास्ते में कहीं वड़ा पाव मिल जाए तो भाई खा लूँगा। संडे कर्फ्यू है लेकिन फिर भी शाम के टाइम पे जाने देते, उतना रोकथाम होता नहीं है रास्ते पे। यहाँ वहाँ दुकान ढूंढ रहा हूँ, दुकान मतलब जो खाने की दुकान हो, जो आज तो कहीं भी चालू नहीं है। संडे के वजह से कर्फ्यू के दिन के वजह से कोई भी दुकान चालू नहीं है। वरना यहाँ पार्सल मिलता था, एक दिन पार्सल लिया था आके, पालघर गया काम करके आया और खाना कहीं नहीं मिला। ढाबे चालू थे शाम को, लेकिन बोला जब शाम हो ही गया तो ढाबा क्यों, घर का ही खाना खाते। तो उसके घर पर आ गए, यहाँ भी वही खाना है जो मेरे घर पर, लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छा होगा। जो मेरे घर पर वो बकवास खाना बनाती है मेरी बहन, यहाँ खाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखाता हूँ आपको। दोस्त के घर पे आने के बाद पहला चीज़ यही दिखा, अगर आपका दोस्त एकदम अमीर हो तो उसके घर पे पूछा नहीं होता, उसके घर पे शर्ट को ही पूछा बना देते। देखो एकदम अच्छा खासा शर्ट है ये, उधर टी शर्ट है, ये देखो टी शर्ट है भाई, बहुत बहुत पैसे वाला है। टी शर्ट का पूछा, शर्ट का पूछा, क्या बात है भाई, क्या बात है। सब पैसे का खेल है भाई, सब पैसे का। और यहाँ बनी है दाल। जैसे मैंने इसका स्टोरी डाला तो लोगों ने इसको नाम दिया कि भाई मैं ताड़ी पी रहा हूँ। अरे यार ये ताड़ी जैसा दिख रहा है लेकिन ताड़ी नहीं है, लीची का जूस है। दोस्त के घर पे गया और सिर्फ दाल राइस जो बहुत ही बढ़िया बनाया था, दाल बहुत ही लाजवाब था, मस्त उससे पेट भर खा के आया। अब ये थोड़ा सा एनर्जी लेते हैं क्योंकि सुबह 4 बजे निकलना है। अपना सपना यहाँ पे कहीं तो लगा हुआ है जो थोड़ा सा ढक गया है। ओके दिखा दूँ, ये देखो ब्लैक में, इसके पीछे जाना है कल सुबह 4 बजे। हमारे दोस्त 4:30 बजे आ जाएंगे। कौन दोस्त थे, कैसे आ रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ जाएंगे, आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखोगे। और वो कुछ दिनों के लिए सरप्राइज ही रहेगा, मतलब कुछ दिनों के लिए छुपा हुआ रहेगा, कुछ दिन के बाद रिव्यू होएगा। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आज जो झटका लगा फ्रिज में, मतलब एहसास हो गया कि करंट का झटका कैसा होता है। खबर पे खबर, सब बुरा बुरा खबर मिलते गया। पहले बड़ी अम्मा गई, फिर मेरा दोस्त के मॉम भी एक्सपायर हो गए, दोस्त भी एक्सपायर हो गया, बड़े पप्पा भी। तो इतना मुझे बुरा लगा ना कि मैं ये सब बंद ही कर दिया था इतने दिन के लिए, लेकिन कितना दिन बंद कर सकते, काम तो करना ही पड़ेगा। फाइनली वापस स्टार्ट कर दिया ब्लॉगिंग। अब देखते रहिए, बस आप लोग अपना ख्याल रखिए। और किसी को इनकेस यार कोरोना वोना कुछ भी ऐसे लगते यार, आप बस घर पर रह के आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं हॉस्पिटल जाने की, आप जाओगे और टेंशन लोगे तो दवा लो, घर पे रेस्ट करो, जितना घर पे रहोगे आप उतना सेफ रहोगे। हाँ यस, मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।